जो परसों बकरीद के ईद है, बंद करो। तो हम कलबुर्गी के तमाम हिंदू संगठन की ओर से आज हम कमिश्नर को अप्लीकेशन ये दे रहे हैं। कमिश्नर से हम मिलके आज अप्लीकेशन देने वाले हैं और हम वो पूछना चाहते हैं, और जो हमारे जो सचिव है उन्होंने जो बोला है, जो कानून में हाथ में लेंगे उनको बराबर पुलिस कमिश्नर और डीसी ऑफिस डीसी जो है यहाँ के उनको सजा देना, जो कानून हाथ में लेने वाले हैं। तो हम आज उनके पुलिस को हर कदम उनके साथ कदम से कदम चलेंगे हम, जहाँ पर इलीगली होता है इलीगली है, जो लीगली नहीं है उनके आप एक्शन लेना। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details. बंद करो। अक्रम कसाई खाने का मुच्छल बेको। जो परसों बकरीद के ईद है, तो हम कलबुर्गी के तमाम हिंदू संगठन के ओर से आज हम कमिश्नर को ऑफिस को आज हम अप्लीकेशन ये दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि गुलबर्गा में जो गाय काट रही है इलीगली, उस गाय को पकड़ना आपके जिम्मेदारी भी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है, लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारे ज़िले के जो मंत्री है उन्होंने कल परसों दे दिए, बहुत अच्छे ये दे दिए, कौन कानून हाथ में लेगा उनको पुलिस पकड़ना बोल के। सारी दुनिया को पता है कौन कानून में लेता बोल के, कौन कानून हाथ में लेते बोल के। तो हम उनके ही बयान पर हम आज कमिश्नर से हम मिलके आज अप्लीकेशन देने वाले हैं और हम वो पूछना चाहते हैं, और जो हमारे जो सचिव है उन्होंने जो बोला है, जो कानून में हाथ में लेंगे उनको बराबर पुलिस कमिश्नर और डीसी ऑफिस डीसी जो है यहाँ के उनको सजा देना, जो कानून हाथ में लेने वाले हैं। तो हम आज उनके पुलिस को हर कदम उनके साथ कदम से कदम चलेंगे हम, जहाँ पर इलीगली होता है इलीगली है, जो लीगली नहीं है उनके आप एक्शन लेना। तो हम जो हमारे सचिव का जो बयान है उसके ऊपर हम उनको शुक्रगुजार है जो उन्होंने दिया है, उसके बात पर उन्होंने अड़े रह गए। और जो पुलिस डिपार्टमेंट है यहाँ के कमिश्नर एसपी और यहाँ के जिलाधिकारी है, उन तीनों का हम गुजारिश करते हैं, जो कानून हाथ में लेते हैं उनको उनका हिसाब से काम लेना कर चाहिए। हम हिंदू संगठन की ओर से हम बोलना चाहेंगे, जो गौ हत्या जो है, हम भारत जो स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र पूर्व हमारे देश में 35 करोड़ गाय थे, हमारे पास 35 करोड़ थे, जो स्वतंत्र भारत के 75 साल हो गए, अब हमारे पास कितना गाय है। जो लोग बोलना चाहते हैं रहितों को जो तकलीफ है, रहितों को क्या तकलीफ है उनको मालूम है तकलीफ क्या बोल के, वो तकलीफ छोड़ के जो गाय के बारे में जो राजकीय करते हैं वो नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भी पुलिस ऑफिसर ईमानदार से काम करना चाहेंगे उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर यहाँ से हम शुक्रगुजार करते हैं, जो पकड़ने का काम और जो चौकी बनाने का काम है, चेकपोस्ट करना है, आप जल्दी से जल्दी चेकपोस्ट बनाइए। हम हिंदू जागरण वेदी की ओर से हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, जय हिंद जय भारत। सुधाकर, हिंदू जागरण वेदी के कलबुर्गी। इवत्तु हिंदू जागरण वेदी के नेतृत्व दल्ली तो हिंदू पर संघटने प्रतिभटने हम्मिकोंडिदेवे। ಕಾರಣ ಬಕ್ರೀದ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗೋಗಳ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ರಮವಾದ ಗೋ ಸಾಗಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ, ಮತ್ತು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಗೋ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಏನು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾತಿತ್ತರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದೇನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 47 ಅನುಚ್ಛೇದ 48ರಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಗೋ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಒಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.